हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वैश्विक कल्पना का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं, जिसमें से मोस्टली ऐसा कोई पेपर जाता नहीं है फाइनल का, जिसमें कि या फिर मतलब आपका जो फाइनल्स एग्ज़ाम होते हैं, कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं जाता जिसमें कि इसमें से कोई क्वेश्चन ना बन के आता हो। पंचविध कषाय कल्पना एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, वैश्विक कल्पना का बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन बन के ज़रूर आता है। और ये जो होता है लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में आता है, तो ऐसे अगर स्वरस पूछ लिया तो 5 नंबर पूछ लेंगे, अदरवाइज़ ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन पंचविध कषाय कल्पना पूरी पूछ ली जाती है। क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे, हम एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे स्वरस कल्पवात ही फंड सबको। इससे पहले हम जो होते हैं इसकी पंचविध कषाय कल्पना का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ेंगे, और स्वरस के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हम परिभाषा की बात करते हैं यहाँ पर, कि डेफिनेशन क्या है। अब हम जानते हैं कोई भी ड्रग, जैसे ये हमको सामने रखे दिख रहे हैं कास्ट औषधि गोक्षूर वगैरह, तो ये जो है हम इनको किसी भी इस तरीके से इसी फॉर्म में कंज्यूम नहीं कर सकते। इनको कंज्यूम करने या लेने के लिए, किसी डिसीज़ को ख़त्म करने के लिए, हमें इनको एक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। चाहे हम आसन में कन्वर्ट करें, अरेस्ट में कन्वर्ट करें, या इनका चूर्ण बना के लें, अवलेह बना के लें, क्वाथ बनाएं, कल्क बनाएं, भस्म बनाएं, किसी भी एक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। पर्टिकुलरली इस तरीके के ड्रग्स को, कास्ट औषधियों को, हमारी अपनी बॉडी के अंदर यूज़ करने के लिए, किसी डिसीज़ को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो ये यहीं पर यही चीज़ बताई गई कि परिभाषा में क्या है, जिन संस्कारों द्वारा। ठीक है, संस्कारों मतलब एक तरीके की प्रोसेस मान के चलिए, कि जिन प्रोसेस या संस्कारों द्वारा औषध द्रव्यों को प्रयोग कार्य के लिए उपयुक्त बनाया जाता है। मतलब प्रयोग कार्य मतलब यूज़ करने के लिए। ठीक है, प्रयोग कार्य मतलब, एक सेकेंड, वन मिनट रुकेगा। तो यहाँ प्रयोगकार मतलब उनको यूज़ करने के लिए उनको प्रयुक्त बना, उपयुक्त बनाया जाता है, मतलब यूज़ करने के लिए उनको यूज़फुल बनाया जाता है। ठीक, उन्हें औषधि निर्माण कहते हैं, उसे औषधि निर्माण कहते हैं। मतलब किसी भी कास्ट औषधियों को प्रयोग में लाने के लिए, यूज़ करने के लिए, जिस प्रोसेस के थ्रू हम उनको कन्वर्ट करके एक ऐसी फॉर्म देते हैं जिस फॉर्म में वो हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारी जिस भी डिसीज़ के लिए हम उस औषध को ले रहे हैं उस डिसीज़ को ख़त्म कर सके, उस पूरी प्रोसेस को हम औषधि निर्माण बोलते हैं। तो ये यहाँ पर इसका एक स्पष्ट मतलब है, अगर साफ हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं किसी भी औद्भिद जांगम या पार्थिव। ठीक है, तो औद्भिद जांगम पार्थिव, ये आप पदार्थ विज्ञान में पढ़ ही चुके होंगे कि क्या क्या होता है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ, औद्भिद जांगम, ओफो वन मिनट, औद्भिद जांगम और पार्थिव। ठीक है, औद्भिद मतलब हमको किसी भी प्लांट सोर्स से मिला हुआ, जांगम मतलब एनिमल सोर्स से, और पार्थिव मतलब हमें अर्थ से, जैसे कुछ एलिमेंट या फिर कुछ भस्म या कुछ मिनरल्स जो होते हैं, जो कि ऐसे कैल्शियम मान लीजिए या फिर आर्सेनिक मान लीजिए, पार्थिव ही हैं सब एक तरीके से। तो ये जो है, इनमें से किसी से भी, चाहे प्लांट से मिला हो, चाहे एनिमल से मिला हो, चाहे अर्थ से मिला हो, ठीक है, पृथ्वी से मिला हो हमको, तो इनमें से किसी भी, तीनों में से किसी से भी मिला हुआ कोई भी द्रव्य, जैसे प्लांट में क्या हुआ, हम प्लांट में प्लांट ही पूरा यूज़ कर लेते हैं, जैसे सर्फ गंदा हो गया, अब सर्फ गंदा हम एज इट इज़ पूरा का पूरा यूज़ कर लेते हैं, है? ऐसा तो नहीं है कि उसको पूरा ही आप एकदम लेके और चबा लेंगे, तो उसमें क्या होता है, रूट यूज़ होती है। ठीक है, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं कि उसकी जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे प्लांट हो गया तो सर्फ गंदा मान लीजिए, एनिमल में से मान सकते हैं, एनिमल से हमें क्या मिलता है, जैसे आप बोल सकते हैं कि एनिमल में हमें गोरोचन, गाय से हम बात करते हैं, गाय से हमें क्या मिल रहा है, गोरोचन मिल रहा है, अर्थ से हमें बहुत सारे मिनरल्स मिल रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जो हमें द्रव्य जो हैं जो इनसे मिल रही हैं, औद्भिद जंगम या फिर पार्थिव, इन सब से, ठीक है, प्लांट से, एनिमल से या अर्थ से, तो उनको एक, अब प्लांट को ही मिला सर्फ गंदा की रूट मिल गई, तो रूट थोड़ी चबा लेंगे सीधे, उनको क्या होगा, चूर्ण की फॉर्म में कन्वर्ट करें या तो हम, या कल्क की फॉर्म में कन्वर्ट करें, भस्म की फॉर्म में कन्वर्ट करें, इस तरीके कन्वर्ट करें बिना जो होता है, अगर आप बिना कन्वर्ट करें मनुष्य को देंगे तो शरीर में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। कोई रूट चबा के सोचे कि मैं बिल्कुल सही हो जाऊँ तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या होता है, जब कुछ ऐसी
प्रोसेस होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो कि अगर आप डायरेक्ट फॉर्म में ले लें तो आपकी बॉडी में यूज़फुल नहीं है, उनको एक चेंज होना पड़ता है, एक फॉर्म में आना पड़ता है, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जो लिपिड सॉल्युबल होती हैं, तो उनको हमें क्या होगा, अब लिपिड सॉल्युबल आपका बॉडी में अगर आपको कोई चीज़ देनी है तो आपको जो ड्रग दे रहे हैं वो भी लिपिड सॉल्युबल होनी चाहिए। तो उस तरीके का ऐसे, ये तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट से हो गया, लेकिन ये मान के चलिए कि आप कहीं से भी जो भी आपको इस संसार से कोई भी द्रव्य मिल रहा है उस द्रव्य को आप एज इट इज़ तो यूज़ नहीं कर सकते। कुछ द्रव्य होते हैं जो एज इट इज़ यूज़ हो जाते हैं, लेकिन जो मेडिसिनल्स प्लांट्स हैं उनमें से आप एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते। तो उनमें हम क्या करते हैं, उनकी कल्पनाएँ बनाते हैं, चाहे उसकी चूर्ण कल्पना या फिर क्वाथ कल्पना, स्वरस कल्पना, भस्म कल्पना, इस तरीके से उनकी कल्पनाएँ बनाई जाती हैं। उसके बाद उन्हें बॉडी में यूज़ करने लायक बना के फिर उन्हें दिया जाता है किसी भी डिसीज़ के अकॉर्डिंग। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसको हम औषधि निर्माण बोलते हैं। तो यहाँ पर ये बोल दिया, किसी भी औद्भिद जंगम या पार्थिव द्रव्यों का चूर्ण क्वाथ भस्म आदि निर्माण किए बिना उसका मनुष्य शरीर पर प्रयोग नहीं किया जा सकता है। मतलब अगर आप इस प्रोसेस के थ्रू इन्हें कल क्वाथ चूर्ण में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो उनका आप यूज़ नहीं कर सकते किसी मनुष्य के शरीर में, ठीक है। अगर आप किसी भी जाएंगे, अगर ऐसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आप कहीं भी गए, अब हम जानते हैं कि आज जैसे आज के टाइम पे क्या है कि आदमी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया। अब आप किसी को जाके बोलेंगे कि लो नीम की डंडी और मुझे चबाना शुरू कर दो, कोलगेट बंद कर दो, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा, अरे तुम तो पागल हो, पिछड़ी उसके सोच के इंसान हो, और मैं ये सब नहीं करता, मैं तो कोलगेट करता हूँ भाई, ठीक है। अब आप क्या करना है, आपको नीम देना है उसको एज इट इज़, लेकिन क्या है, आप नीम को एक पेस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करके देंगे, नीम के एलिमेंट्स को एक निकाल के निचोड़ के एक्टिव प्रिंसिपल को आप पेस्ट की फॉर्म में, अबले की फॉर्म में कन्वर्ट करके देंगे, तो वो उसे ईजिली कर लेगा। तो वो ये नहीं कहेगा कि यार ये नीम का बना है या उसका बना है, किसका बना है, इसको उससे मतलब नहीं है, वो नीम उसको हेल्दी है, ठीक है, वो यूज़ कर रही है। तो हम जो भी द्रव्य हैं उनको एक यूज़फुल फॉर्म में बना के जो कि ईजिली इंसान कंज्यूम कर सके, उस फॉर्म में कन्वर्ट करके जब हम देते हैं तो उसको हम जो बोलते हैं वो हमारा जो होगा औषधि निर्माण है। औषधि तो हम यूएफसी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप मान के चलिए कि कोई भी चीज़ है, आप किसी भी चीज़ को उठा लीजिए, सर्वगंधा की रूट ही है, रूट यूज़ करना है हमको। अब आप कैसे यूज़ कर लेंगे, रूट उठा के चबाने थोड़ी लगेंगे सीधे, उसको एक ईजीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ताकि आप उसको ईजिली ले सकें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उसको लेके उसकी सर्वगंधा बटी कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, सर्वगंधा वटियाँ बनाएंगे, और वटी जो होती हैं वो ईजी टू कंज्यूम होती हैं, आप ईजिली उनको खा सकते हैं। तो ये एक मेन कॉन्सेप्ट, मेन थ्योरी होती है औषधि निर्माण के पीछे, कि किसी भी चीज़ को हम ईजिली कंज्यूम कर सकें ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मेडिसिन बहुत कड़वी होती है, उनको आप डायरेक्टली नहीं चबाएंगे, और अगर आप डायरेक्टली खा भी रहे हैं तो एकदम आज के मॉडर्न ज़माने में इंसान सोचेगा कैसा जंगली आदमी है, रूट चबा रहा है या जड़ें चबा रहा है, किसी चीज़ की पत्तियाँ चबा रहा है, जानवरों वाले काम है ना, भेड़ बकरी वाले, तो वही चीज़ है। उसको एक ऐसे कंज्यूमर फॉर्म में कन्वर्ट कर देना कि उसको आप ईजिली ले सकें, ठीक है, और हेजिटेशन भी ना हो, ईजिली आप खा सकें। तो यही सब है, अतः उसका क्वाथ चूर्ण अबलेह गुटिका आसव अरिष्ट रस रसायन भस्म तेल घृत आदि रूप में परिवर्तित करने के लिए जो निर्माण विधान है उसको हम औषधि निर्माण कहते हैं, ठीक। औषधि निर्माण की परिभाषा समझ में आ गई होगी, इसकी बैकग्राउंड थ्योरी और एक मानसिकता जो उसके पीछे है वो भी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपसे। अब आगे चलते हैं हम, ठीक है। तो अब आते हैं पंच कसाय, क्वाथ के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो अब क्वाथ बना रहे हैं हम, तो कोई भी आप मान के चलिए, इसमें जो रस बताए गए हैं, पहले तो रसों की बात करेंगे, तो रस कौन कौन से हैं, मधुर, ठीक है, मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कसाय। अब यहाँ पर एक रस इन्होंने छोड़ दिया, क्या है, लवण, मतलब सॉल्ट, ठीक है। अब सॉल्ट इसलिए छोड़ दिया गया कि सॉल्ट की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है, ठीक है। अगर आप मधुर की कल्पना करेंगे तो मधुर की कल्पना कर सकते हैं, ठीक। अम्ल, कटु, तिक्त, कसाय, इनकी कल्पनाएं करी जा सकती हैं, लेकिन अगर हम कसाय का चूर्ण, या फिर आप सोच के चलिए कि कोई लवण चीज़, लवण का अगर हम चूर्ण बनाने जाएं तो आप चूर्ण कैसे बना सकते हैं, ठीक। अगर आप उसको पानी में घोलेंगे तो पानी में घुल जाएगा, उसका एक फॉर्म बन ही नहीं सकता। तो यही चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। तो ये पाँच जो बता दिए, इन पांच रस वाले जो द्रव्य होते हैं, ठीक है,
उनके द्वारा पांच प्रकार की क्वाथों की कल्पना की जाती है, ठीक। इन पांच प्रकार के रसों के द्वारा पांच प्रकार के कल्पनाएं की जा सकती हैं, ठीक है। उन पांच कल्पनाओं को हम क्या बोलते हैं, स्वरस, कल्क, क्वाथ, हीम, फांड। ये पांच कल्पनाएं हैं हमारी, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें होता क्या है। तो अब ये तो हमको पता चल गया कि स्वरस से कल, कल से क्वाथ, क्वाथ से हीम और हीम से फांड जो होते हैं वो ये उत्तरोत्तर हल्के होते चले जाते हैं, ठीक है। ये ऐसे आप जाएंगे तो स्वरस से कल, कल से क्वाथ, क्वाथ से हीम, हीम से फांड, ये सब कैसे हो जाएंगे, हल्के होते चले जाएंगे, लघु होते चले जाते हैं। मतलब सबसे हैवी हमारा क्या हो गया, स्वरस। स्वरस जो होगा सबसे हैवी होता है हमारा। तो इसमें नीचे देखिए यही बात बता दी गई है, देखते हैं। देखिए इसमें स्वरस से कल्क, कल्क से क्वाथ, क्वाथ से हीम, हीम से फांड लघु होता है, ठीक है। मतलब इजी टू डाइजेस्ट, आप उसको इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं, साथ साथ में वो अपनी पोटेंसी में भी कम होता जाता है, ठीक। उसके बाद बागवट ने क्या कह दिया, बागवट के अनुसार फांड से हीम, हीम से क्वाथ, क्वाथ से कल्क और कल्क से स्वरस अधिक बलवान है। वही बात है, उल्टा करके बता दिया है सेम। उन्होंने स्वरस से शुरू करा था तो नीचे तक ले गए थे फांड तक, तो उन्होंने लघु बोल दिया था, तो उन्होंने फांड से शुरू करा है, स्वरस की तरफ लाए हैं, तो इन्होंने उसको बलवान बोल दिया है, ठीक है। उसके बाद नीचे कह दे रखा है, अथा व्याधि और रोगों के बलवान का विचार करके पाँचों में जिस रोगी के लिए जो उपयुक्त हो उसका निर्माण करना चाहिए, क्योंकि सब तरह की कसाएँ सबके लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। अब ये इस बात को यहाँ एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान के चलिए कि एक इंसान जो है वो बहुत ही ज़्यादा पतला दुगला है, उसकी अग्नि भी मंद हो रखी है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, उसकी बॉडी ऐसी नहीं है जो हाई पोटेंसी की मेडिसिन को झेल सके, ठीक। तो हम उसमें क्या करेंगे, उसमें हम सबसे हल्की जो होगी किस रूप में देंगे, तो हम मेडिसिन वही, जैसे हमें अर्जुन देना है अगर स्वरस के रूप में, तो हम अर्जुन का ही फांड बना के देंगे उसको, ठीक है। मेडिसिन सेम देंगे लेकिन जिस कल्पना के थ्रू दे रहे हैं उस कल्पना को चेंज कर देंगे, बस ये है, ठीक है, ताकि पोटेंसी जो हो वो कम हो जाए और वो इजीली उसको कंज्यूम कर सके, इजीली ले सके और उसके ऊपर उसका यूज़ हो सके। तो यही चीज़ यहाँ पर बोली गई है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब आते हैं स्वरस क्वाथ। स्वरस क्वाथ में मैंने क्या बता दिया है कि कैसे बनाया जाता है, ये प्रोसेस कैसी है। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम फॉर्म भी कराया, आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या होती है, कोई भी जो हम द्रव्य या औषधि ले रहे हैं, ठीक है, जो भी औषधि द्रव्य लिया हमने, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, वो द्रव्य औषधि किसी तरीके से कीड़े से खाई हुई नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई कीड़ा नहीं लगा होना चाहिए, गंदी संदी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही साफ़ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है, कीड़े वगैरह ना हो, पहली चीज़। तो मेन चीज़ हमको ये देखना होता है। उसके बाद हम उनको तोड़ते हैं, लेने के बाद उन औषधियों को जो होते हैं हम एक अच्छी तरीके से वाटर की टैप, पानी से जो होता है जल से स्वच्छ कर लेते हैं। स्वच्छ कर लेने के बाद उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं, बहुत छोटा छोटा उसको चॉप कर लेते हैं अच्छे से। काटने के बाद क्या होता है, या तो ऊखल में या सिल पर, ऊखल वही ओखली टाइप की जो होती है, ठीक है, आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे डॉक्टर होते हैं दवाई ये बच्चों को देते हैं तो घोट के देते हैं पीस के, एक ओखली टाइप की जो होती है वो, उसमें तो ऊखल में या तो उसको पीस लें या फिर आप सिल में पीस लें, ठीक। घर पर भी होता है ऊखल, वो उसको अदरक को कूटने के लिए चाय में डालने के लिए वही ऊखल होता है, ठीक, उसको पीस लेते हैं अच्छे से। पीसने का क्या होता है, आपने एकदम उसको कैसे बना लिया, चटनी की फॉर्म में बना लिया, जैसे आप धनिया की चटनी होती है उस तरीके का बन जाएगा वो। पीसने का क्या करा हमने, उसको पकड़ा, उसको पकड़ने का हाथ से या फिर यंत्र से, या तो जूसर जो होते हैं ना आजकल, मिक्सर ग्राइंडर जूसर चल रहे हैं, जूस निकालने वाले होते हैं जो, ठीक है, आपने डाला उसको अंदर और जूस उसका बन गया और जूस निकाल के उसको अलग कर लिया, या फिर आप हाथ से दबा दबा के जो उसके अंदर का रस होता है उस रस को निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर उस रस को निकालने का क्या होता है, उसके बाद भी उसमें बहुत सारे ऐसे क्या होता है, उसके जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आ जाते हैं, जैसे क्या पत्ते के थोड़े बहुत छोटे छोटे रेसे वगैरह या फिर छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं उस औषधि के वो गिर जाते हैं। तो उसको दूर करने के लिए, उसको हम दूर करने के लिए करते हैं, एक जो कपड़ा होता है उस कपड़े में उस औषधि को रख के फिर उसको छान देते हैं रस को, ठीक है, रस को कपड़े से छान लेते हैं, तो जो हमारे पास नीचे आता है स्वरस वो बिल्कुल एकदम प्योर फॉर्म में और एग्जैक्टली साफ सुथरा होता है, जिसमें कि कोई भी रेसा वगैरह या फिर औषधि की कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जो कि हमें कंज्यूम करने में दिक्कत हो। वही चीज़ यहाँ बता दी है, देखते हैं। कृमि आदि से अदूषित हरी ताजी वनस्पति, अदूषित मतलब जो दूषित ना हो, हरी ताजी मतलब एकदम फ्रेश होनी चाहिए,
वनस्पति लाकर उसे जल से धो लें। धोने के बाद छोटे छोटे टुकड़े कर लें, ऊखल में कूट या सिल पर पीस कर यंत्र या हाथ से दबाकर रस निकालें, फिर उसे कपड़े से छान लें। इस प्रकार निकाले हुए रस को स्वरस कहा जाता है। ठीक, अब इसकी मात्रा जो होती है वो 2 तोला होती है। अब इनकी मात्रा की अलग अलग आएंगी तो आपको याद करने में थोड़ा दिक्कत होगा, तो मैं इसको याद करने के लिए एक सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ जिससे आपको याद हो जाएगा। देखिए अब क्या होता है, जब भी हम जैसे 2 लिखते हैं, ठीक है, अब क्या होता है अगर हम थोड़ा डिज़ाइन वाला लिखते हैं ना, देखा जो आपके घर में बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो 2 को इस तरीके से लिखते हैं, ठीक, ऐसे ही हम 2 याद कर सकते हैं। और 2 मतलब ये इस तरीके से लिख रहे हैं तो ये स्वरस भी बन जाता है। तो स्वरस के इससे आप याद रखिएगा कि इसकी मात्रा जो होती है वो 2 तोला होती है। ठीक, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमने इससे पहले जो बात करी थी वो आर्द्र औषधियों के लिए थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, मतलब जो ऐसी औषधि जिनसे जूस निकाला जा सकता है। अब मान के चलिए आपको ऐसी औषधियाँ मिली हैं जिनसे आप जूस नहीं निकाल सकते, मतलब ऐसी इस तरीके की औषधियाँ जो पहले से ही सूखी हुई हैं, चूण के तरी बिल्कुल एकदम लकड़ी की तरह हैं। जैसे आप मान लीजिए आपको अगर मुलेठी है, ठीक, लकड़ी डंडी होती हैं, अब आपको उससे जो है वो निकालना है, स्वरस निकालना है, तो आप मुलेठी से स्वरस कैसे निकालेंगे? उसको दवा दवा के आप कितनी भी कोशिश कर लिए नहीं निकलेगा। ठीक, तो अब इसमें किस तरीके से करते हैं फिर? तो इस तरीके की जो औषधि होती हैं, इन औषधियों में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको चूण के फॉर्म में एकदम बारीक सा पीस के चूण बना लेते हैं। ठीक है, चूण बनाने का क्या करते हैं, हम एक मटका लेते हैं, उस मटके में जो होता है उससे कम से कम 24 घंटे के लिए रखते हैं। ठीक है, 24 घंटे के लिए डबा के उसमें छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद उस औषधि को हम निकालते हैं, निकालने के बाद हाथ से दबा दबा के उसका जो स्वरस होता है वो रस को निकाल लेते हैं, कपड़े से छान लेते हैं। ठीक है, तो यही बता दिया है, यदि आर्द्र ताजी गीली वनस्पतियाँ ना मिलें, ठीक है, मतलब जिनसे जूस निकाला जा सके इस तरीके की वनस्पति ना हो, तो सूखी वनस्पतियों का चूर्ण कर लें। उस चूर्ण को दुगने जल में, मतलब जितनी औषधि है उससे दुगने जल में डाल मिट्टी के बर्तन में 24 घंटे रख कर छोड़ दें। ठीक है, जैसे जितनी आपकी औषधि है उससे दुगनी, जैसे मान के चलिए 1 किलो आपकी औषधि है अगर, तो आपको 2 लीटर पानी में उसको रख के 24 घंटे के लिए घड़े में बंद करके छोड़ देना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ढककर रख देंगे। फिर दूसरे दिन क्या करेंगे, उसे हाथ से मसल मसल कर कपड़े से छान लें, जो औषधि है आपकी उसको क्या करना, अच्छे से उसको हाथ से मसलना है, बिल्कुल उसी पानी के अंदर, इस पानी में है, उसके बाद उस पानी का जो आपका जल है जिसमें वो औषधि पड़ी थी फिर उसको छान लेना है। ठीक है, उसका स्वरस के समान प्रयोग करें, छानने के बाद उसका स्वरस के समान प्रयोग करें। इस प्रकार बनाए हुए स्वरस का औषधि में भावना देने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इस तरीके का स्वरस जो होता है औषधियों में भावना देने के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। भावना देने के लिए मतलब ऐसे मान सकते हैं, जैसे कि अगर मैं खाली गिलोय घनवट्टी बना रहा हूँ, ठीक है, अब मुझे गिलोय घनवट्टी में मान के चलूँ कि यार कि मुझे जो है कि एक जैसे मेरे पास गिलोय है, अब गिलोय की तो मैं उसकी घनवट्टी बना रहा हूँ, वट्टी बन रही है, अब मैं सोचूं कि मैं गिलोय के साथ साथ जो है इसमें किसी तरीके से इसमें जो मोलेठी है उसको भी ऐड कर लूँ, ताकि गिलोय हमारी एक तरीके से एंटीपायरेटिक का वर्क भी कर रही है, ठीक है, व्याधि क्षमत में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही है, इम्यूनिटी बूस्टर भी है गिलोय हमारा, और साथ साथ मैं सोचूँ कि ये जो है गले के लिए भी मेरी हेल्प करे, वैसे तो करती है खुद ही अपने आप में सफिशिएंट है, लेकिन मोलेठी एक जो होती है हमारी गले के लिए ज़्यादा यूज़फुल होती है, तो मैं करूँगा कि मुलेठी का मैं इस सूखे आर्द्र चूर्ण बना के उस फॉर्म में उसको दुगने पानी में डाल के रख के उसको मसल मसल के 24 घंटे बाद उसका स्वरस बना लूँगा। फिर जब मैं स्वरस की जब वो उसकी क्या बोलते हैं गिलोय घनवट्टी बना रहा हूँगा, गिलोय के चूर्ण मेरे पास आ चुका होगा, पाउडर फॉर्म में गिलोय होगा, तब मैं यह करूँगा उस गिलोय को जो पाउडर फॉर्म में होगा गिलोय बटी बनाने से पहले, तो उस पाउडर फॉर्म में ही मैं उसको जो गिलोय जो मेरे पास वो होगा क्या बोलते हैं मुलेठी है उसकी भावना दे दे के उसको भावित कर लूँगा गिलोय को, तो गिलोय के जो मेरे पास पाउडर फॉर्म है उस पाउडर फॉर्म के अंदर मेरी जो मुलेठी है उसके भी कॉन्स्टिट्यूंट आ जाएंगे, जिससे कि मेरे को वो हेल्प करेगी। ठीक, वो गले में भी मेरे को हेल्प करेगी और
फीवर एंटीपायरेटिक वगैरह तो वो ग्लो है ही ऑलरेडी। तो ये एक एग्जांपल था आपको समझाने के लिए, ये कोई एक पर्सनल कोई मेरा फॉर्मूला नहीं है, ये एक समझाने के लिए मैंने इस तरीके का एक फॉर्मूला आपको बना के समझाया, इस तरीके की कोई एक्सपेरिमेंट करके ना देखें, तो ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखिए क्या दे रखा है। अब बता दिया कि उक्त दोनों तरीके की अगर आपको औषधि इस तरीके की हैं कि वो सूखी औषधियाँ भी नहीं मिल रही हैं और स्वरस वाली तो गीली ताज़ी औषधियाँ भी नहीं मिल रही हैं, तो आपको क्या करना है, उक्त दोनों स्वरस के अभाव में सूखी औषधि लेकर, अब क्या है, अब उक्त दोनों जो हैं आपके पास इस तरीके का टाइम वगैरह नहीं है, ऐसे मान के चलिए कि 24 घंटे बाद आपको कोई चीज़ देनी है किसी को, ठीक। अब आपको 24 घंटे का टाइम नहीं है आपके पास, आपको तुरंत इंस्टेंट काम करके देना है किसी भी इंसान को, सोरस पिलाना है, ठीक। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपके पास एक तो औषधियाँ ऐसी हैं जो कि आर्द्र फॉर्म में नहीं है, किस फॉर्म में है, रूक्ष फॉर्म में है, सूखी जो एकदम कास्ट फॉर्म में सी है, एकदम लकड़ियाँ सूखी सूखी लकड़ियों की फॉर्म में आपके पास औषधि है, ठीक। दूसरी चीज़ आपको इंस्टेंट देनी है, 24 घंटे का पेशेंट इंतज़ार नहीं कर सकता, तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो इस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, जो भी आपकी औषधि होती है उस औषधि को, जो कि हमारी कैसी है, औषधि हमारी रूक्ष है, मतलब उसमें आर्द्रता के कोई भी गुण नहीं है, तो उस तरीके की औषधि को हम लेते हैं, उसका हम चूर्ण बना लेते हैं, उसको हम क्या करते हैं, चूर्ण बनाए या ना बनाए इसमें, उसको जो औषधि होती है उसको 8 गुने पानी में, मतलब जितनी औषधि है उससे 8 गुना पानी लेते हैं हम, ठीक। जैसे कि मान के चलिए अगर 1 kg औषधि है तो उससे 8 लीटर हम जल लेंगे, फिर वो 8 लीटर जल लेके उसको पकाने के लिए रख देंगे, ठीक। उसको पकाएंगे कब तक, जब तक इसका चतुर्थांश ना रह जाए, मतलब 1/4 पार्ट ना रह जाए, ठीक। कितना रह जाए, 1/4 मतलब इसका, जब तक वो 2 लीटर नहीं रह जाए उसका जल जो हमने उसमें डाला है औषधि पकाने के लिए, जब वो जल चतुर्थांश शेष रह जाता है फिर उस जो जल जो औषधि हमने रखी है उस औषधि को उतार के नीचे रख लेते हैं, और जो जल होता है उस जल को छान लेते हैं, और उस जल को छानने के बाद हम एक स्वरस के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ये इंस्टेंट यूज़ करने के लिए है, अगर आपके पास का रूखी औषधियाँ हैं तो ऐसी औषधियाँ जो कि रूक्ष हैं, ठीक है, उनमें छान कर लें, यह भी स्वरस ही है। इन तीनों में भेद यही है कि उपरोक्त स्वरस भारी होने से उसकी मात्रा 2 तोला है और इसकी मात्रा 4 तोला है। दोनों में बस यही डिफरेंस आ रहा है कि जो हमने इससे पहले 2 फॉर्मुलेशंस पढ़े थे उन दोनों की जो मात्राएं थी वो 2 तोला थी। ये मैंने आपको स्वरस से याद कराया था कि स्वरस मतलब 2। अब इसमें ही आप एक क्लासिफिकेशन और कर लीजिए, अगर आप सूखी औषधियों जो रूक्ष औषधियाँ हैं उनका स्वरस इंस्टेंट बना के दे रहे हैं किसी को तुरंत, तो उसकी मात्रा आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी। कितनी रखनी पड़ेगी, 4 तोला रखनी पड़ेगी, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं इसमें, और देखिए अब आते हैं स्वरस के प्रक्षेप द्रव्य, मतलब उस टाइम पे हम क्या क्या उसमें प्रक्षेप द्रव डालते हैं। प्रक्षेप द्रव जैसे मान के चलिए जब हम चाय बना रहे थे तो चाय में क्या डालते हैं, चीनी डालते हैं, ठीक है, उसके ऊपर से तुलसी के पत्ते डाल देते हैं, कुछ लोग गुड़ भी डालते हैं उसके अंदर, कुछ लोग काली मिर्च डालते हैं, तो इस तरीके चाय में ये सब चीज़ें पड़ती हैं, उसी तरीके से प्रक्षेप द्रव हमारी जो स्वरस में पड़ते हैं, ठीक है, जिससे कि उसकी पोटेंसी और ज़्यादा बढ़ जाती है, वो और ज़्यादा यूज़फुल होता है, ठीक। तो प्रक्षेप द्रव में क्या क्या डालते हैं, देखिए घी पड़ता है, तेल पड़ता है, जैगरी हमारी गुड़ पड़ता है, मिश्री पड़ती है और हनी पड़ता है। कितना कितना डालते हैं इसके बारे में देखिए, स्वरस में घी तेल गुड़ मिश्री शहद डालना है तो 2 तोला स्वरस में 4 मासा डालें, मतलब अगर हम जो है 2 तोला हमारा स्वरस है तो उसमें कितना डालेंगे, इनकी मात्रा जो होगी प्रक्षेप द्रव की वो 4 मासा होगी, वो 6 मासा होगी सॉरी, ठीक है, कितनी डालेंगे, 6 मासा डालेंगे, ठीक। ये मैं आपको कैलकुलेशन सब जब आपको पढ़ाऊँगा मान तो उसमें उसकी कैलकुलेशन आपको समझाऊँगा मैं, ठीक है, किस तरीके से होती, अभी आप इसको ऐसे ही याद करिए। और लबड़ छार पिपली आदि का चूर्ण रोगी और रोग के बल अनुसार प्रयोग योग परिणाम में डालें, ठीक है,
तो एक चीज़ ये होती है, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं कुछ ऐसे औषधि का हम स्वरस बना रहे हैं, ऐसे मान के चलिए गिलोय का ही स्वरस बना रहे हैं। अब गिलोय का स्वरस बनाएंगे तो जाहिर सी बात है वो कड़वा बनना है, तो क्या होगा, आप कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कड़वी चीज़ कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, खाते ही वॉमिटिंग हो जाती है। ठीक है, जैसे हमारे दुष्छर्दना में बोला जाता है कि गंदी चीज़ जो होती है उसे देखते ही, या कोई ऐसी चीज़ जो हमारी इंद्रियों को अच्छी ना लगे उन्हें देख के तुरंत सर्दी हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है, दुष्छर्दना, जो सर्दी में बताया गया पाँचवा भेद। उसी तरीके से हमारी गिलोय स्वरस है, बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, पी नहीं मिलता है इंसान से, तो ना पीने के कारण क्या होगा, बीमारी तो सही होगी नहीं नहीं पियोगे तो उसको हम टेस्ट में चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब उसमें हम क्या डाल सकते हैं, हनी डाल के दे दो मीठा हो जाएगा, शहद डाल के दे दो, मिश्री डाल के दे दो, तो इस तरीके की चीज़ें डाल के दे सकते हैं। ठीक, तो ये सब होता है इसमें। ठीक है, अब बाकी जो ये तीन चीज़ें याद रखिएगा, लवण, क्षार या पिपली या अन्य कोई चूर्ण अगर हम उसमें डाल रहे हैं तो वो किसके अकॉर्डिंग डालेंगे, वो जो पेशेंट की बल होगा उसको देखते हुए इन सब की मात्रा का निर्धारण किया जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं स्वरस की पुटपाक विधि। ठीक है, पुटपाक विधि देखते हैं किस तरीके से होती है। तो देखिए, यदि ताजी हरी वनस्पति हो तो उसको वैसा ही सिल पर पीस कर कल्क बना लें, और सूखी हो तो उसको कपड़ छाड़ चूर्ण कर उसमें थोड़ा जल मिलाकर कल्क बना लें। ठीक है, मतलब समझ में आ गया यहाँ पर क्या है कि अगर आपको गीली औषधियाँ मिल रही हैं तो उनको क्या करना है, सिल पे पीसना है और कल्क मतलब एक चटनी के फॉर्म में बना लेना है। ठीक है, और अगर सूखी औषधियाँ हैं तो उनको खूब सिल पे पीस पीस के और थोड़ा थोड़ा पानी मिला के उनको पेस्ट फॉर्म में, कल्क के फॉर्म में बना लेना, एकदम चटनी की फॉर्म में। ठीक है, दोनों का कल्क बन गया, चाहे हमारे पास हरी वनस्पति ताजी वनस्पति हो जिनमें आर्द्रता गुण हो उनका भी कल्क बन गया, या फिर हमारे पास सूखी औषधियाँ हो उनका भी हमें क्या करना है, कल्क बना लेना है, पानी मिला के बनाना है चाहे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर उस कल्क का गोला बना लें। अब जो कल्क बनाया था हमने, जो चटनी बनाई है उस चटनी का गोला बना लिया। ठीक है, गोला बनाने का क्या करना है, उस पर बट, जामुन, कमल आदि किसी मृदु वीर वनस्पति के पत्ते लपेटे। मतलब कैसी वनस्पति, जो वनस्पति मृदु वीर में हो, ठीक है, जिसका वीर तीक्ष्ण ना हो बहुत ज़्यादा, ऐसी नहीं, जिसका वीर मृदु होता है, उस मृदु वीर वाली जो औषधि वृक्ष होते हैं उनके पत्ते जो होते हैं, जो हमने गोला बनाया था कल का हमारी औषधि का, उसके चारों तरफ लपेट देना है। ठीक है, कवर कर देना उस बॉल को, जो हमारा कल की बॉल है, औषधि कल की बॉल, उसको उन पत्तों से कवर कर देना है, इन पेड़ के, या तो बट का पत्ता हो, जामुन का पत्ता हो, इस तरीके का मृदु वीर की प्लांट होने चाहिए, उनका पत्ता होना चाहिए। अब उस गोले को सूत से कसकर बांधें। ठीक है, जो गोला बनाए पहले, तो जो हमारे अंदर कल का गोला है उसके ऊपर हमारी एक और कोटिंग है पत्तों की, उस पत्तों वाली कोटिंग जो है उसको ऊपर से हम क्या करेंगे, उसको एक सूत मतलब एक थ्रेड से कस के उसको बांध देंगे। ठीक है, उसके बांधने का क्या करना है, ऊपर जल में गुथे हुए आटे और उस पर पानी से खूब मालिश मसली हुई मिट्टी को दो अंगुल मोटा लेप करके गोल बना ले। ऊपर से देखना है, आटा लेना है एक, फिर उसके ऊपर उसकी कोटिंग करनी है, आटे की कोटिंग करनी है पत्तों के ऊपर। ठीक है, अच्छे से आटे की कोटिंग करके फिर सबसे ऊपर जो होती है मिट्टी की कोटिंग करनी है। ठीक है, और ये कितनी होनी चाहिए आटे की और मिट्टी की कोटिंग, दो अंगुल, मतलब एक ऐसे मान के चलिए एक अंगुल की कोटिंग हमारी आटे की होनी चाहिए, फिर उस आटे की कोटिंग के ऊपर एक अंगुल की कोटिंग हमारी किसकी होनी चाहिए, मिट्टी की होनी चाहिए कोटिंग। ठीक है, इस गोले को बिना धुएं के कंडे में, कंडे की आँच में रखें, मतलब किस जगह रखना है जहाँ कंडे जल रहे हों, लेकिन उन कंडों में धुआं नहीं निकलना चाहिए, उन कंडों में आँच होनी चाहिए, धुआं नहीं हो, धुआं होने से क्या होगा, उसकी उसका जो एक स्मेल होगी वो भी चेंज हो जाएगी, टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, और वीर विभाग उसकी जो पोटेंसी वगैरह होगी उसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो धुएं ना निकल रहे हो कंडे, उनमें आँच हो, ऐसी आँच में रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब गोले के ऊपर की मिट्टी जलकर लाल हो जाए, जो ऊपर की मिट्टी होगी वो जलकर उनको लाल लाल पता चलने लगे, तो उसे उठा के वहाँ थोड़ा ठंडा कर अंदर का कल्क निकाल, कपड़े में रख, हाथ से दबा कर स्वरस निकाले। उसके बाद उन सब जद्दी कोटिंगें हमने चढ़ाई थी ऊपर कल के, उन सारी कोटिंगों को निकाल देना, निकालने के बाद जो अंदर का हमारे सबसे कल्क का जो पेस्ट था उस पेस्ट को हाथ से दबा दबा के कपड़े में रख के उसमें से स्वरस निकालना है। ठीक है, तो ये इसका हो गया, आगे देखते हैं और क्या है। हाँ, तो यहाँ तक ये हो गया, उसके बाद इन्होंने और बता दिया है, तो देखिए क्या है, नीम, बेल, अड़ूसा आदि सब वृक्षों की पत्ती
छाल आदि को बिना गर्म किए स्वरस ठीक से नहीं निकलता, अतः उक्त विधान किया गया। ठीक है, तो ये बता दिए, ये वो कुछ ऐसी वो बता दिए हैं पेड़ जिनकी जो स्वरस होता है वो किसी भी जो ऊपर फॉर्म में बताई उन फॉर्म में नहीं निकल पाता अच्छे से, तो उन्हें निकालने के लिए ये फॉर्म जो होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, पुट आग वाली। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं आगे और क्या है हमारा। ये हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। सो अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विजिटिंग माई चैनल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर आयुर्वेदिक वीडियोज़। थैंक यू।